सब्सक्राइब करिए टेक्निकल हेल्पर चैनल कोर पाइए होम पेज जॉब एंड मनी ऑन मोबाइल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिट एंड ग्रिड की नई अपडेट बिल्कुल फ्री। हाय फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है टेक्निकल हेल्पर चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा कि आप एक्सेल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सेल की जो शीट है उसके नेविगेशन के बारे में बताऊंगा और एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इसके अलावा एक्सेल के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड फॉर्मूलेस है उनके बारे में आपको बताऊंगा, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, इफ एंड सम। एंड इसके अलावा एक्सेल के मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक्सेल में शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर है एक्सेल में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। अगर आप ऑलरेडी एक्सेल की आपको नॉलेज है तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी जो स्पीड है एक्सेल में वर्क करने की उसमें इम्प्रूवमेंट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रेडशीट है। मोस्टली एक्सेल का उपयोग अन्य शीट की तुलना में बहुत होता है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एंड हर कंपनियां, मोस्टली कंपनियां, मोस्टली एमएनसी कंपनियां एक्सेल का उपयोग ऑफिस वर्क करने में बहुत करती हैं, क्योंकि एक्सेल की मदद से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अपने कंपनी के, और कंपनी का जो रिकॉर्ड्स है वो आप चार्ट्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो कंपनी का डाटा है आप वीकली या डेली उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स नंबर्स या फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के द्वारा। एंड इसके अलावा जो आपके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में जो प्लान होंगे आप फॉरकास्ट लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं उसको। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक्सेल स्टार्ट करने की सबसे सिंपल और आसान ट्रिक्स है ये ट्रिक्स। अगर मेरे पास विंडोज 10 है आप देख सकते हैं, अगर आपके पास विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, आप कोई से भी आपकी जो विंडो है इनमें से कोई भी आपके कंप्यूटर में ओपन है या आपने इंस्टॉल कर रखी है, ओके, तो उसमें भी आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कीबोर्ड से ओनली 2 की प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, विंडो एंड आर, विंडो आर, ओके। जैसे विंडो आर आप प्रेस करेंगे तो रन प्रोग्राम एक स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं रन प्रोग्राम। इस रन प्रोग्राम की वजह से आप विंडोज, आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, विनवर्ड ओपन कर सकते हैं, नोट पैड ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है एक्सेल, ज़्यादा बार आप टाइप करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में एक्सेल स्टार्ट होगा ओपन होना, देख लीजिए ये स्टार्ट हो चुका है, ओके। वापस मैं बता देता हूँ, आपको अपने कीबोर्ड से टाइप करना है विंडो आर। जैसे आप टाइप करेंगे तो एक्सेल जो रन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपको एक्सेल टाइप करना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंडों में एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक्सेल स्टार्ट हो गया है, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल वे है, अगर आपके पास विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, किसी में भी हर विंडोज में रन प्रोग्राम होता है, तो आप इसकी मदद से आसानी से एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की जो वर्कशीट है उसकी नेविगेशन के बारे में। वैसे तो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेल की जो इम्पोर्टेंट नेविगेशन है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। आप अगर पहले से एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो पहले से एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उनको नेविगेशन के बारे में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नेविगेशन किस प्रकार और किस तरह और कब यूज़ की जाती है। अगर आप एक्सेल में बिगनर है, पहले शुरुआत कर रहे हैं एक्सेल में, तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जिसकी मदद से आसानी से आप समझ पाए, ओके। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा पहला ऑप्शन, जो मेन ऑप्शन है, क्विक एक्सेस टूल बार। जी हाँ, क्विक एक्सेल टूल बार का मतलब है जैसे ये जो आपको टूल दिख रहे हैं इसकी मदद से आप इधर सेव भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसको डिसेबल भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं, ओके। जैसे आप यहाँ पर होम का बटन, होम का ऑप्शन है, इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूलाज, ये रिबन होते हैं, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिख रखा है ये कमांड ग्रुप है, इसमें जो भी आप अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, इससे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसमें साइज
इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की जो बॉर्डर है वो चेंज कर सकते हैं, अपने जो सेल का कलर चेंज कर सकते हैं, और इसकी मदद से टेक्स्ट का जो है वो आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये नेम बॉक्स है, जिस सेल पर आप अवेलेबल हो अभी, जिस पर आपने क्लिक कर रहा है, जिस पर आप वर्क कर रहे हो उस सेल का, इधर इसकी मदद से आप नेम जान सकते हो कि आप किस सेल पर अभी प्रेजेंट अवेलेबल हो। ओके, एंड सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर्मूला बार। आपने जिस बॉक्स पे जो फॉर्मूला लगाया है उसको आप इसकी मदद से एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, करेक्ट चेक कर सकते हो। एंड ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आप देख रहे हैं एक्सेल में ये कॉलम होते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रो होती है। ओके, एक्सेल में ये कॉलम होते हैं और ये रो होती है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं शीट, ये वर्कशीट है, इस पर क्लिक कर आप प्लेस भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको वर्क व्यू ऑप्शन मिलता है, एंड इसके बाद जूम कंट्रोल माइनस या प्लस कर सकते हैं, एंड इसके बाद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मोस्टली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनकी नेविगेशन आपको मैंने शो करी है। ओके, तो मैं अब आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर एक्सेल मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रहा क्विक एक्सेल टूल बार। जी हाँ, ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मेल के भी ऑप्शन है। ओके, ये इन पर मैंने क्लिक कर रखा है तो ये आपको शो हो रहा है। अगर मैं सेव का ऑप्शन हटा दूंगा तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन चल गया, आप देख सकते हैं, एंड वापस क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। तो ये क्विक एक्सेल टूल बार आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें जितने भी टूल बार है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर आगे ले सकते हैं, ताकि आप जब भी वर्क करें तो इसमें आपको आसानी हो। ओके, एंड इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर नेम बॉक्स का ही है, बताता है कि आप कौन से बॉक्स पर अभी हो। मैंने A1 पे क्लिक कर रखा है, अब मैं B1 पे जाऊँगा तो B1 पे पहुँच जाऊँगा। ये B है और ये 2 है, मैंने आपको बता दिया है, ये रो होती है, ये कॉलम होती है। आप देख सकते हैं एक एक्सेल में A से लेकर अब ये Z तक रो रहेगी, फिर इसके बाद A से स्टार्ट हो जाएगी, A, फिर A to Z, फिर A से लेकर फिर AZ तक जाएगी, फिर इसके बाद B A से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारी रो है, जो जितनी रिक्वायरमेंट पड़े, आपको जितनी आवश्यकता पड़े उतनी आप ले सकते हैं, आपको कब नहीं पड़ेगी इसमें। ओके, एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने होम पेज पे जाऊँ, ऐप पर जाऊँ, सिर्फ ऐप पर। ओके, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल प्लस होम, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं पर भी है आप अपने होम पे पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं, अब ये रो हो गई है, अब ये कॉलम होते हैं। अब अगर आप चाहें तो देख सकते हैं एक्सेल में बहुत सारे कॉलम हैं, लेकिन आप ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं आपको बता देता हूं, आपको कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करनी पड़ेगी, डाउन एरो की। ओके, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट की लास्ट की जो एक्सेल का कॉलम है, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हैं इसके लास्ट है नहीं एक्सेल कॉलम। अब अगर आप चाहें तो होम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और की है कंट्रोल प्लस अप की। आपने डाउन की प्रेस की नीचे आने के लिए, अप की ऊपर आने के लिए, तो कंट्रोल प्लस अप की आप प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएंगे आप। ओके, तो ये एक्सेल की कुछ एक्सेल की मेन इंपॉर्टेंट नेविगेशन है जो आपको आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इससे आप जूम माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ओके, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल का जो शीट है वो नॉर्मल है, एंड यहाँ पर पेज लेआउट है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जो शीट आपको चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक शीट मिली है जब मैंने इसको ओपन किया है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर शीट बढ़ा भी सकते हैं। ओके, इस पर क्लिक कर आप शीट बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो ये नॉर्मली नेविगेशन है एक्सेल की जो आपको आनी चाहिए। ओके, फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। इस ट्रिक्स की मदद से आप एक्सेल में अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक्सेल के लिए बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं एक्सेल में, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ, सम की, जोड़ने की। ओके, अगर आप चाहें, जैसे मुझे आयुष शर्मा के यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ बच्चों के नाम हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, फिजिक्स में उनके 100 में से नंबर उन्होंने लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आयुष शर्मा के इन पांचों सब्जेक्ट में कुल नंबर कितने हैं।
तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखना पड़ेगा टोटल, ताकि हमें पता चले। ओके एंड यहाँ सर आप सेलेक्ट कर लीजिए इनको यहाँ तक। अगर आप चाहें तो ऑटो सम पर क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सम हो जाएंगे 277। ओके सिंपल ट्रिक से आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है और ऑटो सम पर क्लिक कर देना है। ओके तो ये खुद ब खुद जुड़ जाएगा। और मैं आपको इससे भी सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। ओके उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक, आपको इस सेल पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके नंबर जोड़ने, आयुष शर्मा का जो कॉलम है वो यहाँ पर है, राइट। आयुष शर्मा की जो सेल है यहाँ पर है और इसके जो नंबर है वो यहाँ पर है। ओके तो हमें यहाँ की जो जितनी भी सेल है उसके नंबर जोड़ने हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको सिर्फ दो की प्रेस करनी पड़ेगी, Alt प्लस इक्वल टू। जैसे आप प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद देख सकते हैं ये सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपको जितने नंबर लेने हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश में नंबर नहीं, हिंदी, साइंस, मैथ और फिजिक्स में पता करने हैं आयुष शर्मा के कितने नंबर आए, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को सारे नंबर चाहिए। फिर उसके बाद आपको एंटर पर क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं 277 आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। आपको इस पर जाना है, अगर इस सेल पर जाएंगे तो यहाँ के नंबर सेलेक्ट होंगे। ओके यहाँ की जितनी सेलेक्ट है सेल है सारी सेलेक्ट होगी। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ऊपर की जितनी भी सेल है वो सारी सेलेक्ट होगी। ओके आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है Alt प्लस इक्वल टू। ओके फिर एंटर दबा देना है। ओके अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आयुष शर्मा के नंबर निकाले वैसे मेरे फैजान खान के, लक्ष्य, तुषार महिपाल, इन सब के नंबर आए। तो आप इस सेल पर क्लिक करिए और आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला बार होता है, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बार है। इसमें मेरे को पता चल गया है कि मेरे को इस सेल में मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, तो मैं उसको करेक्ट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप इस पे जाएंगे तो देख सकते हैं जैसे मैं इधर लेके जा रहा हूँ अपना माउस का, जो माउस है वो लेके जा रहा हूँ जैसे माउस का कर्सर, तो ये प्लस हो जा रहा है। ओके इसका ये मतलब है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है वो इस सेल पे भी लग जाएगा, इस वाले पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। जैसे आप चाहें तो दो बार इस पर क्लिक करिए तो लास्ट तक जितनी भी सेल हैं ओके उन सब पे ये फॉर्मूला लग गया है। ओके ठीक है एंड मैं आपको अब यहाँ से बता देता हूँ, अब मुझे ऊपर के जितने भी नंबर हैं सारे सेलेक्ट करने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन बच्चों के कुल इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, फिजिक्स में इन्होंने कितने नंबर लिए सभी में। ओके तो हम चाहें तो यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं, टोटल। ओके अब यहाँ पर मैंने वापस वही फॉर्मूला लगाना है आपको, सिंपल है Alt प्लस इक्वल टू। जैसे आप लगाएंगे तो खुद ब खुद देख सकते हैं सारी सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है। ओके 1650 ये आ गया है। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो दो बार इधर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे आके लेते जाएंगे तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट होती जाएगा जिस जिस सेल को आपको चाहिए। ये देख लीजिए खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है, सबके टोटल आ गए हैं सामने। ओके तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स की मदद से आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं। ओके इसके बाद जो सेकंड ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस टैब। इसका जो आप उपयोग करते हैं, इसको जो यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर दो एक्सेल है, एक बुक वन एक बुक वन, दोनों ही सेम ही है नाम, लेकिन इसमें अलग डाटा है, इसमें डाटा है ही नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उस वाली सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब जैसे मैं प्रेस करूँगा तो मैं उस सेल में आ जाऊँगा, एंड वापस कंट्रोल प्लस टैप करूँगा तो मैं वापस अपने सेल में बैक हो जाऊँगा। तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि अपने माउस को इधर लाना है फिर इस पर क्लिक करना है। तो आप चाहे तो कीबोर्ड की मदद से भी कंट्रोल प्लस टैप कर स्विच हो सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ओके एंड फिर तीसरी ट्रिक जो है कंट्रोल सी कॉपी की। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे पास ये जो डाटा है वो मुझे कॉपी करना है, ओके टोटल छोड़कर मुझे सिर्फ यही डाटा कॉपी करना है, मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर सकता हूँ, इस पर क्लिक कर नई सेल ले सकता हूँ और कंट्रोल वी पर पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। आपको जितना टेक्स्ट कॉपी करना है, चाहे आप ये करें या फिर ये करें, जितना आप चाहे जिस जिस बच्चे के नाम, जो भी आपके पास डाटा है, चाहे अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो उसमें सेल्स का डाटा होता है, तो उनको कॉपी करने के लिए सिंपल की है कंट्रोल सी एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। ओके तो कंट्रोल सी से आप पेस्ट कर सकते, कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं, जैसे मैंने बाय मिस्टेकली यहाँ पर धीरज, अर्पित और सलमान के नाम लिख दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको, मुझे कट करना है, जैसे
यहाँ से लेकर रवि वर्मा से लेकर मुझे ये जितने डाटा है मुझे ये सारे कट करने, मुझे हटाने हैं, इनके नाम नहीं चाहिए, ओके। तो कंट्रोल एक्स करोगे तो ये कट हो जाएंगे। अब दूसरी शीट में जाकर आप हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमने यहाँ से कट करे तो ये पूरे चल ही गए, ओके। एंड कंट्रोल वी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ओके। तो कंट्रोल एक्स इसके काम में आता है, ओके। एंड इसके बाद जो ट्रिक्स है मैं आपको बता देता हूँ, डिस्प्ले फॉर्मेट सेल, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर नंबर है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इंडियन करेंसी की जो रुपए है उसमें मुझे सिंबल लाना है, तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस वन पे क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगी। इसमें आप जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, बहुत सारे इसमें मेनी फंक्शन है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सिंबल लेना है इंडियन करेंसी का, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। देख सकते हैं सब पर रुपए का निशान आ गया है। ये वैसे मार्क्स है, लेकिन जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको सेल्स दिखानी होती है। अगर आपकी सेल डॉलर में है, आप डॉलर में जो सिंबल है वो लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस वन करके फॉर्मेट सेल ओपन हो जाती है। फिर आप इसमें जाकर चाहे जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्री की जो भी सिंबल है वो ले सकते हैं। जैसे ये डॉलर आ गया है इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया का, तो आप डॉलर ले सकते हैं। जिस कंट्री के चाहें उसके सिंबल सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। कंट्रोल वन दबाकर फॉर्मेट सेल ओपन हो जाती है, इससे आप जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी उसके अनुसार आप कर सकते हैं, ओके। जी हाँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल वन करके। जी हाँ, ओके। एंड इसके बाद जो ट्रिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद है ओपन दी फाइन डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स। जैसे डायलॉग बॉक्स एंड रिप्लेस, ये दोनों ज़्यादातर सेम ही है। जैसे आपके पास, यहाँ तो मेरे पास छोटा ही डाटा है, लेकिन आप जिस कंपनी में या कहीं वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे डाटा होंगे, जिसमें बहुत सारी सेल्स या रिजल्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आपको जो डेट वाइज है, टाइम वाइज है, डाटा आपको मिलेंगे, जिसमें जो भी एम्प्लॉई है उन्होंने जो वर्क किया है। अगर आप चाहें तो कंट्रोल एफ कर उनके नाम भी ढूंढ सकते हैं, आपको जो चाहिए यहाँ आपको सबमिट करना है। जैसे मुझे, मैं चाहता हूँ कि रवि वर्मा का मुझे डाटा चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं रवि वर्मा में ऑटोमेटिकली पहुँच जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा डाटा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी मदद से किसी को भी फाइंड कर सकते हैं नाम वाइज भी यहाँ लिखकर, ओके। एंड इसके बाद जो है, जी हाँ, इसके बाद है ओपन दी फाइन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आप इसकी मदद से जो भी डाटा है उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस आपको दबाना है, आपको फाइंड करना है डाटा को, जैसे रवि वर्मा है। अब मैं चाहता हूँ रवि वर्मा के इधर जहाँ जहाँ रवि वर्मा लिख रखा है वहाँ पर रणवीर लिख जाए, ओके। तो आप लिख अपने हैंड से लिख सकते हैं रणवीर सिंह, ओके। आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं, पहले यहाँ फाइंड है और रिप्लेस में आप क्लिक करेंगे तो ये रणवीर सिंह हो गया, ओके। तो इसकी मदद से आप चाहें तो जो जो नाम है उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओके। जहाँ जहाँ आपने इनकरेक्ट कर लिए हैं उनको आप करेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा मैं आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसके बाद न्यू वर्कबुक। अगर आप चाहें तो आपके पास आपको नई वर्कबुक ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस एन की मदद से आप नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ये नया एक्सेल खुल गया है, अलग अलग शीट आप यहाँ से इस पर क्लिक करके नई शीट ले सकते हैं, ओके। कंट्रोल एन की मदद से आप नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। एंड इसके बाद सेव वर्कबुक। जैसे आपने ये जो वर्क कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एस से आप इसको सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से। मैंने ऑलरेडी है तो मैंने सेव कर रखा है, मैं उसी को ही ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे कंट्रोल प्लस सेव एस करना पड़ेगा, सेव एस। इस पर क्लिक कर मैं जहाँ चाहूँ मेरे को अगर डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में टाइप रखना है तो कंट्रोल सेव एस पर क्लिक कर बुक वन है तो मुझे वापस सेव पर क्लिक कर देना है। ये बता रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी सेव कर लिया है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। कंट्रोल बुक वन से पहले से ही है ये, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो बुक वन, बुक टू क्लिक कर ओके कर देता हूँ, तो ये बुक टू के नाम से सेव हो चुका है, ओके।
तो ये इम्पोर्टेंट ट्रिक्स टिप्स है एक्सेल की, जिसमें आप इन ट्रिक्स की मदद से अपनी जो ऑटो सम का ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ एक्सेल की जो विंडो है, अगर आपने दो विंडो खोल रखी है एक्सेल में, दो शीट ले रखी है आपने, दो एक्सेल ओपन कर रखे, तो उनके बीच में स्विच कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कट कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हैं, कोई जो भी है डाटा है जो सेल है उसको चेक कर सकते हैं, उनको फाइल में रिप्लेस कर सकते हैं, नई वर्कबुक्स ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक्सेल के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए अगर आप कोई एक्सेल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो इन फॉर्मूले के बहुत यूज़ होते हैं। सबसे पहले वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, इफ एंड सम। ओके, तो मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। ओके, अब मैं वी लुकअप की मदद से इस शीट में से, इस डाटा में से पता लगा सकता हूँ कि उमाकांत त्यागी के फिजिक्स में या इंग्लिश या हिंदी या साइंस या मैथ में कितने नंबर आए हैं। तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसे वी लुकअप कहते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वी लुकअप या कोई सा भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना पड़ता है, इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। ओके, फिर इसके बाद आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो प्रेस करना पड़ेगा। तो मुझे यह वी लुकअप चाहिए, वी एल। जैसे मैं वी एल प्रेस करूँगा वी लुकअप आ जाता है। फिर अगर आप चाहें तो पूरा नाम प्रेस कर शिफ्ट और एन दबा सकते हैं, या फिर आप टैब दबा दीजिए। टैब दबाने से होगा कि आपको पूरा नाम प्रेस करने टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जैसे मुझे इस शीट में से नवाज खान का डाटा निकालना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये प्रेस किया, यानी यहाँ पर इन सेमी कॉलम में आपको नवाज खान का नाम टाइप करना है जिसका डाटा लेना है, नवाज खान। ओके, जी हाँ। फिर इसके बाद इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये मुझसे टेबल एरे मांगता है, तो टेबल एरे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, मैंने यहाँ पर टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद, जी हाँ, अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप करने हैं। ओके, कॉलम इंडेक्स मतलब वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है। इसमें आप ये जो कॉलम है इनकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, डाटा चेक कर सकते हैं। अब जैसे मुझे चाहिए मैथ में, तो यहाँ पर कॉलम नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा 5। ओके, मैंने 5 टाइप कर दिया। ये मुझसे ये पूछ रहा है कि ये जो नाम है, जो डाटा है, ये ए टू जेड टाइम में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ए टू जेड टाइम में नहीं है, क्योंकि पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर एफ से, फिर एल से, फिर टी आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर उसके बाद जेड आना चाहिए, नहीं तो ए, लेकिन यहाँ एस आ रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फॉल्स लिखना है। 99% जो डाटा होता है वो ए टू जेड टाइम में नहीं होता है। ओके, फिर आपको शिफ्ट दबा के 0 पर प्रेस करना है और एंटर दबा देना। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर, पहले मैं अपना फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। मैंने नाम किसका लिखा है, नवाज खान का, और 5 नंबर कॉलम पे, क्योंकि 5 नंबर है मैथ्स और नवाज खान ये रहा 63। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कम्प्लीटली करेक्ट हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे नरेश का देखना है। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा है एंड इसके बाद मैंने नरेश का नाम सबमिट करा है, नरेश एच। ओके, मैं एंटर दबाऊँगा, 80 नंबर आ गए हैं। नरेश के 80 नंबर है, जी हाँ यही है नरेश, 5 नंबर कॉलम पर मैथ ही है, बिल्कुल 80 नंबर आ गए। तो मैंने आपको जैसा बताया फॉर्मूला बार से आप फॉर्मूला जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। तो वी लुकअप इस काम में आता है, आपके पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल होगा, उसमें किसी पर्टिकुलर नाम से आप डाटा चेक कर सकते हैं। ओके, एंड अब मैं आपको एच लुकअप बताता हूँ। ओके, एच लुकअप बताने के लिए मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है एच लुकअप के लिए। ये कुछ सेल है किसी शॉप की, जो ब्रांड के हिसाब से उन्होंने सैमसंग के, एप्पल, वीवो, शाओमी, नोकिया, ओप्पो, लिनोवो के मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट सेल किए हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पर हॉरिजेंटल यानी एच लुकअप लगाना है। तो सबसे पहले एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू आप प्रेस करते हैं एच लुकअप, फिर टैब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके पहले मुझसे लुकअप वैल्यू पूछी जाती है, तो मैंने कहा है कि मुझे सैमसंग की जाननी है, तो आपको सैमसंग क्लिक करना है। ओके,
फिर इसके बाद टेबल एरे ये पूछ रहा है, तो आप टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, याद रखिए वी लुकअप में आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताए जाते हैं, जो कि ये कॉलम होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एंड यहाँ रो इंडेक्स, रो ये रो होती है ओके, तो आपको रो इंडेक्स नंबर सबमिटेड करने हैं ओके। लेकिन मुझे जानना है सैमसंग में टैबलेट की कितनी सेल हुई है, तो टैबलेट है 1 2 3 4, याद रखिए आपको ये नंबर नहीं देना है, क्योंकि आपने जो टेबल एरिया सेलेक्ट कर रही है उसके रो नंबर देने हैं इसमें 1 2 3 4, चार नंबर मैंने यहाँ प्रेस करे हैं, और इसमें हमेशा ज़्यादातर आपको 0 ही यूज़ करना है, इसमें फॉल्स या ट्रू आपको यूज़ नहीं करना, 0 दबाकर शिफ्ट 0 दबाना है आपको ओके, फिर एंटर दबा देना है 100। आप देख सकते हैं सैमसंग में टैबलेट में 100, जी हाँ ये करेक्ट आंसर आपको मिल गया है ओके। तो इस प्रकार एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, एंड वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल ओके। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप पाइवट टेबल कैसे यूज करते हैं। मेरे पास ये डेटा है, अब पाइवट टेबल की मदद से जैसे ये डेटा है, इधर कितने सारे नाम है, तो पाइवट टेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम जैसे फिल्टर आप यूज़ करते हैं, फिल्टर में आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम देखकर उसका डाटा चेक कर सकते हैं, वैसे पाइवट टेबल होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा फीचर होते हैं। तो आपको ये डाटा सेलेक्ट करना है, सिंपल ये पूरा सेलेक्ट हो गया, अब मुझे इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर ऑप्शन होगा पाइवट टेबल का, इस पर आप क्लिक कर लीजिए ओके। अब इस मैंने ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट कर ली है, अगर आप चेक कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी रेंज सेलेक्ट कर ली है, मेरे को वर्कशीट नहीं चाहिए, न्यू वर्कशीट में मैं चाहता हूँ ओके, तो मुझे ओके पे क्लिक करना है। जैसे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा पाइवट टेबल आ जाएगी, अब मुझे जो मैंने डाटा सेलेक्ट कर रहा है उसमें सबके नाम चाहिए मुझे, बच्चों के इंग्लिश में उनके जो मार्क्स है, हिंदी में जो मार्क्स है, साइंस में मार्क्स है, मैथ में मार्क्स है, फिजिक्स में, और टोटल है, आप चाहें जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उसी के अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ओके। तो ये सेलेक्ट हो चुका है, अब देख सकते हैं यहाँ पर एक रोल लेवल में एक ऑप्शन आ गया है, जिसमें मैं इससे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ कि किस बंदे के जो भी डाटा है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं नरेश का डाटा चेक करता हूँ, नरेश ओके, ये रहा नरेश ओके, एंड ओके पे क्लिक करूँगा तो मुझे नरेश के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नरेश के इंग्लिश में कितने नंबर आए, हिंदी में, साइंस में, मैथ में, फिजिक्स में, एंड फुल टोटल कितना है ओके। तो पाइवट टेबल की मदद से आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का पूरा डाटा चेक कर सकते हैं, आपके पास शीट जो होती है, जो डाटा होता है वो बहुत सारे पर्सनों का होता है, तो पाइवट टेबल की मदद से आप किसी पर्टिकुलर बंदे का पर्सन का पूरा डाटा चेक कर सकते हैं का उपयोग करना बताता हूँ। अब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इफ का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो इफ को हिंदी में अगर या यदि बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसने कितनी सेल की है ओके, या फिर कोई प्रोडक्ट तैयार करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ है, या फिर किसी एम्प्लॉय ने जो वर्क किया है, जो उनके स्कोर है, उनके अनुसार आप उनको रिमार्क्स दे सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यह डाटा अवेलेबल है, आयुष शर्मा ने हिंदी पर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, फिजिक्स में कितने मार्क्स लिए हैं, उन्होंने कितने मार्क्स मिले, तो इसके आधार पर आप उनको ग्रेड दे सकते हैं ओके। तो सबसे पहले हमें इनका रिजल्ट निकालना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि इन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं। तो मैंने आप सबमिट करा रिजल्ट, रिजल्ट निकालने के लिए सबसे सिंपल वे है, आप चाहे जैसे आयुष शर्मा ने टोटल ये मार्क्स लिए हैं 5 सब्जेक्ट में, तो इन मार्क्स को इसमें डिवाइड कर देंगे तो इनकी परसेंटेज हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो टोटल मार्क्स आपने डिवाइडेड का सिंबल प्रेस कर दिया है, और कितने विषयों में इन्होंने लिए है सब्जेक्ट में, 1 2 3 4 5 प्रेस करके एंटर दबा दिया है, तो इन्होंने कुल 55.4 मार्क्स लिए हैं, 55.4। इस पर डबल क्लिक करा तो ये सब पर अप्लाई हो गया ओके। अब हमें इन्हें ग्रेड देनी है ओके। तो अब हम इफ का उपयोग करेंगे, इफ का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने परसेंटेज बनाई है उसके आधार पर मैं इनको ग्रेड दे सकूँ ए बी सी डी ओके। तो सबसे पहले मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा और यह आपको टाइप करना पड़ेगा इफ, फिर आप टैब प्रेस करिए, फिर इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये परसेंटेज है, इसी के आधार पर हमें इनको ग्रेड देने हैं। फिर आप
प्रेस करेंगे इस कल टू या बराबर, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। आप चाहे तो इस कल टू भी प्रेस कर सकते हैं, यस सॉरी ग्रेटर देन या बराबर, ओके ग्रेटर देन या बराबर हमने यहाँ प्रेस करा है। हमने ये कहा है कि अगर इनकी परसेंटेज किसी भी बच्चे की 60% हो तो उससे 60% हो या उससे ज़्यादा हो, 60% हो या उससे ज़्यादा हो तो उसे आप ए ग्रेड दे दो। यह हमने प्रेस कर दिया ए ग्रेड, ओके ठीक है। अब ये बंद कर दिया है हमने। तो मैंने यहाँ पर क्या प्रेस करा, सिर्फ मैंने इनका रिजल्ट दिखाया इन बच्चों का, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60% से ज़्यादा हो या 60% हो तो आप उनको ए ग्रेड दे दीजिए, ओके। फिर इसके बाद अब मुझे और भी इफ़ लगाने हैं, तो मैं इफ़ प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे और भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मैंने इसको वापस सेलेक्ट करा और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया है। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 55 हो, 55 के बराबर हो या 55 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन यानी 55 से ज़्यादा, इक्वल टू यानी बराबर, तो उसको आप बी ग्रेड दे दीजिए, ओके ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं मैंने बी ग्रेड करके इसको बंद कर दिया। फिर मैंने इफ़ लगाया कि मुझे और कंडीशन चाहिए, फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा है एंड मैंने आपको यहाँ पर फिर ग्रेटर देन लगाया है और इक्वल टू लगाया है, ओके। अब मैंने यहाँ लिखा है किसी बच्चे की 50% हो, ओके 50% हो बराबर, 50 के बराबर हो या 50 से ज़्यादा हो तो उसे क्या दे दीजिए, आप मुझे सी दे दीजिए, ओके। तो मैंने यहाँ सी भी प्रेस कर दिया, इसको बंद कर दिया है एंड फिर मैंने इफ लगाया है, फिर मैंने इसको सेलेक्ट करा है, फिर मैंने लिखा है ग्रेटर देन या इक्वल टू किसी की 45 हो या 45 के बराबर हो, सॉरी 45 तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 40 कर लेते हैं यहाँ पर, ओके 40 हो या 40 के बराबर हो तो यहाँ पर आप उसको डी दे दीजिए। तो आपने यहाँ प्रेस कर दिया डी और इसको बंद कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये जो आपने कंडीशन लिख रखी है अगर इसके अलावा किसी की 40 से नीचे हो तो आप क्या करोगे, तो आपने कहा है कि इसके अलावा और कुछ भी हो परसेंटेज में तो आप उसको फेल कर दो। आपने यहाँ सबमिट करा फेल एंड अब जहाँ यहाँ रखिए, मैं आपको वापस कवर कर देता हूँ। इसका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो बच्चों ने रिजल्ट ले रखे हैं इनमें इनको कितनी परसेंटेज मिली है उसके आधार पर आपको ग्रेड देने हैं। आपने लिखा कि 60% के बराबर हो या 60% से ज़्यादा हो तो आप उसको ए दे दीजिए, ओके 55% के बराबर हो या 55% से ज़्यादा हो तो आप उसको बी दे दीजिए, 50% के बराबर हो या 50% से ज़्यादा हो तो सी दे दीजिए एंड 40% हो या 40% से ज़्यादा हो तो डी दे दीजिए, अगर नहीं है तो फेल कर दीजिए। अब इसको हमें बंद करना है। तो यहाँ ध्यान रखिए मैंने इफ़ कितनी बार यूज़ करा है, 1, 2, 3, 4 बार, तो मुझे 4 बार ही इसको बंद करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। जैसे आप कंप्लीट करोगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी बार बंद हो गया है एंड लास्ट में ये जो कलर है इसका चेंज हो गया है, फिर आपको एंटर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसको बी ग्रेड मिली है। बी ग्रेड क्यों मिली है, क्योंकि अगर 60% के बराबर या इससे ज़्यादा होती तभी ये मिलती। मैंने यहाँ लिखा है 55% से ज़्यादा हो या बराबर हो तो बी मिली है, इसलिए बी मिली क्योंकि इसकी 55% से बराबर ही से ज़्यादा है, ओके बराबर होगी जब भी 55% से तो यह बी मिल जाती है एंड मैंने यहाँ पर क्लिक करा है ताकि ये जो फॉर्मूला है सब पर अप्लाई हो जाए। ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला सब पर अप्लाई हो गया, 35.2% है तो इसको फेल कर दिया गया है। क्या आप देख सकते हैं मैंने कहा है कि 40% तक ये से बराबर हो जब भी डी मिलेगा और बाकी जो भी हो तो फेल हो जाए। तो ये 40% नहीं है तो फेल है, ये बी ग्रेड एंड इनको ए मिल गया, इनको ए फिर डी बी सी। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। तो इफ का प्रयोग फ्रेंड्स हम इसलिए करते हैं कि हमें जो कंडीशन लगानी पड़ती है अपनी डाटा पर, इफ के प्रयोग से आप उसको कमांड दे सकते हैं कि अगर ये परसेंटेज आपके पास जो भी गोल है जो भी डाटा है उसमें उन्होंने अचीव करा है तो आप उनको वो ग्रेड दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई सेल हुई है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की तो लास्ट मंथ कितनी सेल थी तो आप उसको गुड दे सकते हैं, बैड दे सकते हैं, आपने जो भी गोल है आपके वो अचीव हुए या नहीं हुए, ओके। तो इफ का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ओके। अब मैं आपको सम का यूज़ करना सिखाता हूँ। सम का यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है, ओके मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल सिंपल है सम का यूज़ करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो मैंने, जी हाँ इनको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे डाटा को, फिर वापस मैं आपको एक बार कवर कर देता हूँ सम का उपयोग करना, क्योंकि सम बहुत ही
इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ज़्यादातर आप अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे ये जितना भी जो है डाटा है इसका मुझे सम चाहिए, जोड़ चाहिए, एल प्लस स्कल टू एंड एंटर दबा देना, ऑलरेडी आ चुका है। एंड आप इसको प्रेस करके जैसे आगे लिखते जाएंगे ये जो अप्लाई है, कंडीशन है, जो फॉर्मूला है, सब पर अप्लाई हो गया। तो नॉर्मली सम का इस प्रकार हम यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक्सेल के मोस्ट और इम्पोर्टेंट फीचर बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास ये डाटा है, तो मैं सबसे पहले आपको एक्सेल के मोस्ट और इम्पोर्टेंट फीचर बता देता हूं। ये क्विक एक्सेल टूल बार मैंने ओपन कर दिया, यहां पर हम मोर कमांड्स में जाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं क्विक एक्सेल टूल बार ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम जनरल से स्टार्ट करते हैं। जनरल में ये नॉर्मली फीचर हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो वर्कबुक है जिसमें आप बॉडी फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो 11 फॉन्ट साइज आता है, देख लीजिए ये 11 है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद ये जो एक्सेल की शीट है वो नॉर्मल व्यू पर है। अगर आप चाहे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू या पेज लेआउट व्यू ये भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो यह एक शीट की यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो एक ही शीट ओपन होके आई है। अगर आप चाहें तो जब भी आप एक्सेल ओपन करें तो दो या तीन शीट आप अपने अनुसार जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये यूज़र का नाम है, तो यहाँ पर इतने ही फीचर हैं अवेलेबल। एंड फॉर्मूलाज में बहुत सारे फीचर हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटिक पर है वर्कबुक कैलकुलेशन, तो हम इसी पर रहने देते हैं। प्रूफिंग ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेव फाइल ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो एक्सेल की जो आप फाइल सेव करना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट हो जो आप कि कंप्यूटर में ओपन हो सके, आप किसी को सेंड कर रहे हैं उनके पास जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद ये लोकेशन चेंज कर सकते हैं जहाँ आपकी फाइल जो सेव होगी। एंड इसके बाद बुक प्रीव्यू, बुक वन एंड जो आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ब्राउज पे क्लिक कर एंड इसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है, इसमें आप लैंग्वेज ऐड भी कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी है इंग्लिश, इंडियन एंड यूनाइटेड स्टेट। ओके, डिफॉल्ट है। एंड एडवांस का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जब मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरा जो मूव सेक्शन है वो राइट पर है। अगर आप चाहे तो डाउन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाउन करा है और ओके करते हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊँगा तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो अगर आप चाहें तो ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब अनुसार आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डाउन करके राइट पर कर सकते हैं। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये राइट जाएगा, जैसे यहाँ पर है एंटर दबाया तो ये राइट गया है। आप देख सकते हैं ये राइट वे में मूव हुआ है, तो आप ये अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, एडवांस ऑप्शन में जाकर। ओके, एंड यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आप कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एडवांस में ऑप्शन हैं, तो आप अपने अनुसार पिक्चर की जो क्वालिटी है, साइज क्वालिटी एंड वो अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक जो प्रिंट करेंगे उसमें जो ग्राफिक है वो हाई क्वालिटी के मोड पर भी आप ओपन कर सकते हैं। ये बहुत सारे वेरियस ऑप्शन हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये रिबन का ऑप्शन होता है, रिबन मैंने आपको बताई है होम, इंसर्ट, बैकग्राउंड, ये रिबन होते हैं, तो अपने अनुसार आप इसको रिबन को चेंज कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो ओके, फिर इसके बाद क्विक एक्सेल टूल बार। जैसे मेरे पास ये अभी टूल बार है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से जो भी टूल बार है वो मैं ले सकता हूँ, फॉर्मेट, प्रिंट, तो मेरे यहाँ पर शो हो जाएंगे वो। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने अनुसार इसको ऐड करके ओके पे क्लिक कर सकते हैं। एंड ये ऐड इन सेंटर सेंटर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पर मैंने क्लिक कर रखा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे अपनी जो स्क्रीन है ये बड़ी है, मेरे पास ज़्यादा डाटा है, तो आप इस पर दो बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रिबन है ये चल जाएगा। एंड दो बार फिर क्लिक करोगे तो ये वापस आ जाएगा। आपको राइट साइड से दो बार क्लिक करना है तो ये चल जाएगा, वापस दो बार किस पे भी क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। ओके, तो हमने वापस दो बार पे क्लिक कर दिया है तो ये आ गया है। इसमें कट या कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट है, ये फाइल है, अब मुझे इसको बीच में लाना है तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट। अगर ये देख सकते हैं मूव जो हो रहा है पूरा मूव हो रहा है, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा मूव करना है तो मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा मूव भी हो जाएगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, एंड इसके अलावा ये ABC फॉर्मेट है, अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकल टेक्स्ट में ले सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप
कुकीज, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये ऐसे आ जाएंगे, ओके, कंट्रोल जेड करके, या फिर आप इस पर क्लिक कर कर वापस जा सकते हैं। एंड इसके अलावा ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सेल का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग है, इसमें आपको कॉलम दिख रहे हैं लेकिन सेल में कोई कॉलम नहीं आ रहा। तो आप जैसे चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक लिखा है सेल, ओके, अब मैं चाहता हूँ ये सेल का जो मुझे बिल्कुल बीच में दिखे, ओके, तो आपने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेल, मैं चाहता हूँ ये सेल का जो मुझे ऑप्शन है ये पूरा जो टेक्स्ट है मुझे पूरे बॉक्स में दिखे, सॉरी, जी हाँ, ओके, तो मैंने इनको सबको सेलेक्ट कर लिया है जहाँ तक मुझे सेल चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। तो मुझे इस पर क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर, तो आप जैसे क्लिक करेंगे ये बीच में आ जाएगा, ओके, ये सारे जितने कॉलम हैं ये हट जाएंगे, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को या अपने डाटा को दिखाने के लिए आपके इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे वेरियस ऑप्शन है, आप अपने अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जनरल का ऑप्शन है, नंबर का ऑप्शन है, तो ये मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस वन दबाने से भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, ये देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इसमें ये कवर हो जाते हैं, ओके। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बता रखी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो आसूस का है इसमें जो सिंबल है वो रुपए में आ जाए, डॉलर में आ जाए, तो आप इसकी मदद से देख सकते हैं, जनरल में, नंबर में, करेंसी कर सकते हैं, अकाउंटिंग, बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन हैं, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये डाटा है, तो मैं चाहता हूँ ये मुझे टेबल में चाहिए, तो इसकी मदद से आप टेबल ले सकते हैं जो आपको चाहिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये टेबल चाहिए तो इस पर ओके करना पड़ेगा, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा है, ओके, तो ये कंडीशन टेबल में आ गया है। आप चाहें तो अपनी टेबल की जो भी जो है एडिट कर सकते हैं उसको अपने अनुसार, जो आप चेंजेस चाहिए, जो आपको पसंद आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑलरेडी आप देख सकते हैं फ़िल्टर का ऑप्शन अप्लाई हो चुका है, तो टेबल में ये बहुत अच्छी खास बात होती है, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में टेबल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आप करंटली डाटा भी चेक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो सेलेक्ट ऑल जो ऑप्शन है वो सब हट जाएंगे, लैपटॉप पर क्लिक करोगे तो सिर्फ लैपटॉप का डाटा आपको मिल जाएगा, ओके, एंड फिर आपको इस पर क्लिक करना है। ये फ़िल्टर दिखा रहा है कि आपने किस ऑप्शन को किस को फ़िल्टर करा के सेल को, फिर आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो आप इस पर फ़िल्टर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन जो भी आप चाहें अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद ये जो इंसर्ट का ऑप्शन होता है, जैसे ये सेल है मुझे यहाँ पर जगह खाली चाहिए, मुझे मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है ये हट जाए, तो इंसर्ट सेल पर जाकर आप इंसर्ट सेल के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ये देख सकते हैं, मुझे ये सेल को राइट साइड लेना है, तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड चल गई है, कंट्रोल जेड दबा के वापस मैं आ जाता हूँ। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो सम में बहुत सारे ऑप्शन है, एवरेज का, सम का, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, तो ये मोर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ए टू जेड का ऑप्शन है, जैसे आप चाहते हैं तो ए टू जेड के रूप में, जैसे मेरे पास ये डाटा है, मैंने ये बच्चों के नाम लिया है, मैंने इसको चाहता हूँ कि ए से लेकर जेड तक जिसका नाम पहले ए से स्टार्ट हो वो पहले आए, जिसका बी हो वो उसके बाद में आए, जैसे क्लिक कराए तो ये ऑप्शन कंप्लीट, एक बार मैंने इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये आ जाता है पूरा ऑप्शन, ए फिर बी फिर डी फिर एफ फिर जी फिर आई के, तो ये पूरी ए टू जेड के जो कैटेगरी वाइज है पूरा वहीं से आएगा। अब ये जेड टू एट आपको करना है तो इस पर क्लिक कर, जेड टू एट हो जाता है, ओके। तो ये इसके लिए ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप इससे कुछ ढूंढ सकते हैं, जो आपने गलत लिख दिया है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इससे, ओके। तो अब इसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट का, ओके। तो इंसर्ट के ऑप्शन में पिवट टेबल मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आप रिकमेंडेड कर सकते हैं पिवट टेबल को, पिवट टेबल के अलावा यहाँ पर टैबलेट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपको पिक्चर ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई पिक्चर चाहिए मुझे, मैंने पिक्चर पर क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत सारे आ जाती है पिक्चर हैं, तो मैंने इस पर क्लिक करा है कि मुझे ये पिक्चर चाहिए, ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो ये पिक्चर आ गई है। तो आप अपने अनुसार इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं, ये देखिए आप इसको ला सकते हैं जहाँ भी आपको चाहिए, ओके। और ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है पिक्चर में, कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, इस पर क्लिक कर कर बहुत सारे इसमें, जैसे फ्रेम साइज है तो आप फ्रेम भी कर सकते हैं, ओके। एंड आप डिलीट कर दीजिए इसको अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अभी यहाँ डिलीट कर देता हूँ। तो नॉर्मली आप पिक्चर भी ले सकते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर।
एंड यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का, शेप का, ऑनलाइन पिक्चर भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट का। यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन है, आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने डाटा बनाया है प्रेजेंटेशन के रूप में, कि आपके कंपनी ने लास्ट में कितनी सेल करी लास्ट मंथ में, तो प्रेजेंटेशन के रूप में आप वो चार्ट के द्वारा बता सकते हैं। ओके, यहाँ पर पावर लाइन, बहुत सारे फंक्शन है। यहाँ पर हाइपर लिंक्स के द्वारा आप बहुत सारे फीचर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एडवर्ड का ऑप्शन है, जैसे ये को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कराए हैं, अब मुझे एडवर्ड में इसको इस फॉन्ट में करना है तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख कर इसको चेंज कर सकते हैं, ये एडवर्ड के ऑप्शन है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप फीचर हैं जो इंसर्ट की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। सिंबल का ऑप्शन है, बहुत सारे सिंबल इसमें आपको मिल जाते हैं, तो जो सिंबल आपको अपने टेक्स्ट के आगे लगाने हैं वो सिंबल आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ओके, इक्वेशन का ऑप्शन है यहाँ पर। एंड इसके बाद फिर हम पेज लेआउट पे चल जाते हैं। पेज लेआउट का जो मतलब होता है, जैसे यहाँ पर थीम्स आप चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट की मदद से। ओके, थीम चेंज कर सकते हैं, पेज कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं, प्रिंट एरिया चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पेज लेआउट की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। सबसे मेन पार्ट फॉर्मूला बार, बिल्कुल ये बहुत मेन पार्ट है। इसकी मदद से जैसे मैंने आपको वी लुकअप, एच लुकअप बताया, तो आप इसकी मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। लुकअप में आपको जाना पड़ेगा, एच लुकअप आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे मैंने लिनोवो की डाली है। फिर इसके बाद टेबल एरिया ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ टेबल एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको रो इंडेक्स डालना पड़ेंगे, तो हमने कहा है कि 1, 2, 3, ये तीन हैं, क्योंकि ऊपर वाला नहीं गिरेंगे, क्योंकि टेबल का जो इंडेक्स नंबर है, रो इंडेक्स नंबर, वो ये है 1, 2, 3। तो हमने यहाँ 3 प्रेस करे, और यहाँ हमें 0 प्रेस करना है, एंड एंटर दबा दिया, तो 900 आ गई है। ओके, वैल्यू 900 आ गई है, क्योंकि हमने लिनोवो की सिलेक्ट की थी। तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं एच लुकअप। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। आप जैसे जैसे फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमार्क्स है फॉर्मूले के, तो आप इसको पढ़ पढ़ कर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितना एक्सेल की प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें परफेक्ट होंगे। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले के ऑप्शन है, आप नेम मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर कैलकुलेट का ऑप्शन है। एंड इसके बाद डाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें जो आप अपना डाटा है वो आप सेंड भी कर सकते हैं किसी को। एंड उसके बाद ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। ग्रुप का ऑप्शन है, सब टोटल का ऑप्शन है, फिल्टर का, और ए टू जेड मैंने आपको बता दिया है। इनके बाद आपको रिव्यू का ऑप्शन होता है, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, आप कोई चेक कर सकते हैं, एंड न्यू कमेंट चेक कर सकते हैं। व्यू का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपनी शीट की जो वैल्यू है, नॉर्मल पेज लेआउट, पेज लेआउट, पेज ब्रेक पर प्रीव्यू, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। जूम प्लस माइनस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली रिबन है, टैब है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये फीचर एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं, फॉर्मूलाज के बारे में, बहुत सारे एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल में, उतनी ही आपकी जो एक्सेल की नॉलेज है वो बढ़ेगी। और यकीन कीजिए, अगर आपको एक्सेल बिल्कुल कंप्लीट आता है या थोड़ा भी नॉलेज है, तो आपको आसानी से कहीं पे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई भी एमएनसी कंपनी में। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी एक साल या 6 महीने वर्क एक्सपीरियंस लेता है, तो अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अबाउट 15,000 से ज़्यादा ही मिलेगी आपको, और इससे ज़्यादा आप अगर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो इससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको। तो एक्सेल बहुत अच्छा है, एंड इस पर वर्क करने के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सेल में आपको कोई भी परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपके क्वेरी को रिसोल्व करने की। और ऐसे मोर एंड रिलेटिव वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए टेक्निकल हेल्पर चैनल को, और प्रेस करिए बेल आइकन।